Good morning, students. Now, today's topic is sense organ. We will know that we have five sense organ, that is eyes, ears, nose, tongue and skin. Everyone knows that we have five sense organ in our body. These sense organ help us to know what is happening around us. Sense organ are connected to the brain through nerves. Sense organ send messages to the brain. The brain respond these messages and thus we know about the things around us. Children, sense organ kya karte hain? Jo bhi kaam humko karna hota hai na, we do with the help of the sense organ. Hum jo bhi kaam karte hain, hum kisse karte hain? Apne sense organ ki help se. Theek hai, sense organ kisse connected hote hain? They are connected with the brain. ठीक है, और ब्रेन से कनेक्ट होते हैं. सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? हम मैसेज भेजते हैं ब्रेन पे, और जब ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है तब हम कोई वर्क करते हैं. ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन होता है. फर्स्ट सेंस ऑर्गन हमारा आई है. क्या है? आई, सेंस ऑफ साइट, मतलब देखने, जहाँ से हम देख सकते हैं. आर आईज हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. वी लर्न अबाउट द शेप, साइज एंड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट. देखो चिलेन, एज यू सी, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द आईज. ठीक है, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं हम किससे देखते हैं? अपनी आई से. ठीक है, हम कोई भी शेप है, साइज, कलर, वेदर ये ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है. सपोज नाउ दिस इज रिटन इन ब्लू कलर, ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, तो आप कैसे देख रहे हो? विद द हेल्प ऑफ द आईज. नाउ सेकेंड सेंस ऑर्गन इज ईयर, सेंस ऑफ साउंड और हियरिंग, मतलब कोई चीज़ को सुनने की जब जो सेंस होता है, मतलब ताकत होती है, वो होता है ईयर. वी हियर विद द आर ईयर, हम किसे सुनते हैं? अपने ईयर से. आर ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स. वी लर्न द साउंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सम साउंड्स लाइक म्यूजिक्स आर प्लीजिंग एंड सूदिंग. अदर साउंड्स लाइक बैंगिंग एंड स्क्रीमिंग आर लाउड एंड हार्श. देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हम वी हियर विद आर ईयर, हम किससे सुनते हैं? अपने ईयर्स से. ठीक है, देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड. पहले होते हैं म्यूजिक सॉन्ग्स, जो बहुत सूदिंग होते हैं और बहुत प्लीजिंग होते हैं. ठीक है, जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा हैवी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम वर्क कर लेते हैं, तो हम कुछ लोग क्या करते हैं? म्यूजिक लाते हैं, बिकॉज उनसे उनको क्या मिलती है? हेल्प मिलती है कि वो अपने आप को काम रखें, सूद, मतलब अपने आप को शांति में रखें. और कुछ साउंड्स होते हैं लाउड एंड हार्श, जस्ट लाइक क्रैकर्स के साउंड होते हैं, जो बहुत बेकार होते हैं, जो बहुत तेज तेज बजते हैं. एंड जस्ट लाइक योर डीजे साउंड्स, आइदर यो जब शादी में हम जाते हैं किसी, वहाँ के जो साउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैंगिंग होते हैं, जो हमारे बहुत हार्श होते हैं, जो हम लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं. ठीक है, जैसे कार के हॉर्न्स होते हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं. ठीक है, दीज आर द हार्श साउंड. नोज, सेंस ऑफ स्मेल, थर्ड सेंस ऑर्गन के नोज, सेंस ऑफ स्मेल, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं. स्मेल मतलब कोई चीज़ को हम सूंघ सकते हैं. आर नोज हेल्प अस टू स्मेल. स्मेल आर ऑफ मेनी काइंड्स. सम स्मेल आर गुड, सम आर नॉट गुड. द नोज परफॉर्म अनदर फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग. इट हेल्प अस टू स्टे अलाइव. देखिए चिल्ड्रन, स्मेल क्या होती है? दो टाइप्स की होती है. ठीक है, कुछ अच्छी होती है, जस्ट लाइक योर गुड स्मेल. सपोज योर रोज फ्लावर स्मेल, आपकी जब फ्लावर्स और मदर कुक, व्हेन योर मदर कुक, इट स्मेल्स गुड. ठीक है, जब आपकी मदर कोई भी खाना बना रही होती है, तो जो खाने का टेस्ट होता है, वो स्मेल होती है, वो कितनी अच्छी होती है. और फ्लावर्स की स्मेल, बैड गुड स्मेल, जो बैड होती है वो कौन सी होती है? जस्ट लाइक योर गार्बेज स्मेल. गार्बेज मीन्स जो कूड़ा कचरा होता है, अगर उसकी स्मेल देखो तो वो बहुत गंदी होती है, तो दैट इज़ नॉट गुड स्मेल. ठीक है, हमारी नोज एक और फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज़ ब्रीदिंग. जो हम सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द नोज, ठीक है, उससे ही से हम अलाइव, मतलब जिंदा रहते हैं. फोर्थ इज टंग, सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब जिसे हम कोई चीज़ टेस्ट कर सकते हैं. वी टेस्ट लाइक स्वीट, सोर, सॉल्ट एंड बिटर विद आवर टंग. The tongue has taste, but on it which tell us about the different taste. देखो हमारे चिल्ड्रन, टेस्ट हम जैसे देखो बहुत से स्वीट, जैसे लाइक स्वीट डिश चॉकलेट. सोर मीन्स खट्टा, लेमन. सॉल्ट जैसे नमक. बिटर थोड़ा खट्टे टाइप में. ठीक है, विच आर टंग, विथ आर टंग हम ये सब चीज़ें टेस्ट करते हैं. टंग में हमारे एक होती है टेस्ट बट. क्या होती है? टेस्ट बट. ठीक है, जो विच टेल अस अबाउट द डिफरेंट टेस्ट, जो डिफरेंट टेस्ट के बारे में हमें बताती है.
Now come to the skin. Skin sense of touch or feel. ठीक है, skin क्या होती है, जो हमारे body का outer part होता है उसके skin कहते हैं. जो भी हमें तो कोई touch करता है तो हमें उसकी फीलिंग होती है, या फिर हमें कोई बैड टच करता है या अच्छा टच करता है तो हमें उसकी फीलिंग आती है. वी फील विद आवर स्किन दैट एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड, हॉट, रफ, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट. हम अपनी स्किन में कोई भी, अगर हमारे सपोज जब हम ठंडा ठंडी वाटर लेते हैं अपने हाथ में करते हैं तो वी फील कोल्ड. तो कैसे पता चलता है वो चीज़ ठंडी है, तो हमारी स्किन से पता चलता है हॉट है, ड्राई है. आर फिंगर टिप्स आर द मोस्ट सेंसिटिव, जो हमारी फिंगर टिप्स होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं. लिप्स आर वेरी सेंसिटिव, जो हमारे लिप्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं. दीज आर द सेंस ऑर्गन. नाउ कम टू द केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स. हाउ वी केयर आवर बॉडी पार्ट्स, हम अपने बॉडी को कैसे केयर दे सकते हैं. वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. We should practice good health habits. हमें ये कुछ habits हैं good health जो हमें रोज़ अपनी daily life में करने चाहिए. Eat a healthy diet. Healthy diet means आपको foods अच्छा खाना चाहिए. ठीक है, Eat a healthy diet with food from all the food groups. Like you have to eat the green vegetables, fruits. ठीक है, This is a healthy diet. तो आपको एक healthy diet लेनी चाहिए. Brush and floss your teeth twice daily. If you take care of your teeth, they can last your whole life. Keep your brush fresh by keeping your teeth and gums clean. ठीक है, अब हमें ब्रश दिन में, हमें कहते हैं ना when you wake up brush and before go to bed you should brush. हम कहते हैं ना कि जब हम उठते हैं और सोते टाइम ब्रश करना चाहिए. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. अगर हमें टीथ का ध्यान रखेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब वो कभी टूटेंगे नहीं और कभी कमज़ोर नहीं होंगे. थर्ड इज क्लीन योर बॉडी. वी शुड ऑलवेज टेक अ बाथ और शावर डेली. ठीक है, हमें डेली शावर लेना चाहिए. वॉश योर एंटायर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो इंक्लूडिंग योर फेस एंड वॉश योर हेयर रेगुलरली. रेगुलरली चिल्ड्रन यू हैव टू वॉश योर हेयर ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, मतलब वीक में दो तीन बार आप ज़रूर वॉश करिए. ठीक है, एंड अपनी बॉडी को क्लीन, टेक अ बाथ डेली, डेली बाथ लेनी चाहिए, हमेशा रोज नहाना चाहिए. वॉश योर हैंड बिफोर मील्स, आफ्टर यूजिंग अ बाथरूम, आफ्टर टेकिंग आउट द गार्बेज, आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, वॉश योर हैंड, कीप यू सेफ फ्रॉम द जर्म्स. हम अभी देखिए एज यू नो दैट एवरी वन इज वॉशिंग हैंड. ठीक है, आप कोई भी खाना खा रहे हो, खाने से पहले वॉश करो, खाने के बाद वॉश करो. ठीक है, अगर आपने कुछ गंदी चीज़ छुई है या बाहर से आए हो, ठीक है, कहीं से भी आए हो तो आप अपना वॉश, हैंड वॉश ज़रूर करें. एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे टू स्टे एक्टिव. प्ले गेम्स दैट इन्वॉल्व जंपिंग, रनिंग एंड प्लेइंग. टेक वॉक, गो स्विमिंग और हेल्प आउट विथ हाउस होल्ड वर्क्स. ठीक है, एक्सरसाइज, हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए. ठीक है, नाउ यू आर अ चिल्ड्रन तो यू हैव टू जस्ट प्ले, मतलब आप घर पे भी खेल सकते हो, बाहर भी खेलो, प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन. ठीक है, रनिंग करिए. दीज आर द एक्सरसाइज दैट यू कैन डू. दीज आर द एंड दिस मेक्स योर बॉडी एक्टिव. ये आपकी बॉडी को और अपनी बॉडी को बहुत एक्टिव बनाती है. ठीक है, मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, स्विमिंग भी करनी चाहिए. गेट इनफ स्लीप. योर बॉडी नीड्स स्लीप्स टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. ठीक है, आपको एक इनफ स्लीप, मतलब यू शुड टेक अ एटलीस्ट 6 to 7 to 8 hours स्लीप्स अ डे. आपको एक दिन में एटलीस्ट 7 to 8 hours की स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए. केयर ऑफ सेंस ऑर्गन. ठीक है, नाउ केयर ऑफ सेंस ऑर्गन. नाउ द लास्ट टॉपिक इज केयर. हाउ कैन वी केयर आवर सेंस ऑर्गन, अपने सेंस ऑर्गन को कैसे केयर कर सकते हैं. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन. वी मस्ट कीप आर सेंसेस ऑर्गन क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज. हमें अपने ऑर्गन को, सेंस ऑर्गन जो है, उनको क्लीन और मतलब कोई भी उससे नुकसान नहीं होना चाहिए. आइज. आइज आर द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन. बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम इंजरी. वॉश योर आइज डेली विद फ्रेश क्लीन वाटर. डू नॉट रब और टच द आई विद डर्टी फिंगर्स और डर्टी हैंडकरचीफ. ऑलवेज स्टडी इन अ प्रॉपर लाइट. क्या है, आइज़ हमारे बहुत सेंसिटिव होती हैं. ठीक है, उन्हें बहुत ध्यान से रखिए, मतलब उनको केयरफुली, कि आप कोई भी ऐसी जगह ना जाएं जहाँ से आपकी आइज़ को इनफेक्ट, मतलब अफेक्ट हो या उसे कोई भी प्रॉब्लम हो. अपनी आइज़ हमेशा वॉश करनी चाहिए क्लीन वाटर से. मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो एक टेक अ क्लीन वाटर एंड वॉश इट विद योर फ्रेश वाटर.
सेकंड, अपनी आइज़ को कभी भी ऐसे मतलब गंदे हाथों से रब नहीं करना चाहिए, नॉट फिंगर फिंगर नॉट इवन अ डर्टी, मतलब कोई भी गंदे रुमाल या गंदे कपड़े से कभी भी रब नहीं करना चाहिए, और हमेशा लाइट में पढ़ना चाहिए, अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। द ईयर्स, डू नॉट क्लीन द ईयर्स विद एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, दिस को डैमेज द पावर ऑफ हियरिंग। ठीक है, हम जब ईयर साफ करते हैं, जब हम यू शुड क्लीन योर ईयर विद अ ईयरबड, ठीक है, और आप ईयरबड ले लो उससे साफ करो विद शार्प, कभी भी पेंसिल पेंसिल जैसी चीज़ें जो शार्प होती हैं उनको कभी भी ईयर में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो अंदर पावर ऑफ हियरिंग है जैसे आप सुनते हो वो बहुत अफेक्ट होगी और आपको डैमेज भी हो सकती है। कवर योर ईयर इफ़ देयर इज़ अ वेरी लाउड साउंड, जब अगर बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जस्ट लाइक कहीं आप शादी में गए हो वहाँ पे बहुत तेज़ साउंड है जो आपको नहीं अच्छी लग रही, तो अपने ईयर्स को हाथों से कवर कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज़ द नोज, वेन यू वॉश योर फेस एवरी मॉर्निंग ब्लो योर नोज टू क्लीन इट, ऑलवेज यूज अ क्लीन हैंडकरचीफ टू क्लीन योर नोज। हमेशा जब आप सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं हम लोग, तो हमारे में अपनी नोज़ को भी साफ करना चाहिए और एक क्लीन हैंडकरचीफ रखना चाहिए जिससे आपकी नोज साफ रहे, और आप उसी से यूज़ करो। जब आप उसको यूज कर लो, जस्ट थ्रो इन टू द डस्टबिन, यूज अ टिश्यू पेपर, उन्हें डस्टबिन में फेंक दीजिए, फिर टेक अ न्यू टिश्यू पेपर। क्लीन योर टैंक एवरी मॉर्निंग वेन यू ब्रश योर टीथ, आपको पता है जब हम सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, आफ्टर ब्रशिंग आर टीथ वी शुड क्लीन आर टंग विद अ टंग क्लीनर। स्किन, द क्लीन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी वाइल टेकिंग अ बाथ, ड्राई योर बॉडी विद अ क्लीन टॉवल बिफोर यू वेयर फ्रेश क्लीन क्लोथ्स, चेंज अंडरगारमेंट्स डेली। ठीक है, आपको आप बॉडी का रोज बाथ लेते टाइम अपनी बॉडी में क्लीन एक बार में अच्छे से साफ करना चाहिए, एक क्लीन टॉवल से साफ बहुत प्रॉपरली आपको बॉडी को ड्राई करना चाहिए। ठीक है, और अपने अंडरगारमेंट्स में डेली चेंज करना, यू शुड टेक अ बाथ डेली। केयर ऑफ द बॉडी इज द केयर ऑफ द स्किन, अपनी बॉडी की केयर करेंगे तभी आप अपनी स्किन, एंड दिस शोज दैट वी कीप आर बॉडी हेल्दी। इफ़ यू केयर आर बॉडी, अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे तो हम हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, योर लेसन इज कम्प्लीटेड टुडे। Hope, I hope you should read it again at your home, and thank you, children.